1984 में ये ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के तहत हमने कई फंक्शंस किए हैं जिसमें हम मतलब कमर्शियल लेवल पे नहीं जाते हम लोग, और यही जो गीत हैं हम मेहनत के जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, इस तरह के हम गीत चुनते हैं और लोगों को बताते हैं। और आज आपने दावत दी, शुक्रिया। नदीम साहब मैं आ जाऊं। प्रोग्राम म्यूजिक का है जी, आप गाते हैं। और एक गाना आप बहुत अच्छा गाते हैं जो मैं पिछले 20 सालों से गाता आ रहा हूँ लेकिन गाना ऐसा है कि हम सबको बहुत पसंद है और चाहे हम कितनी दफा सुने उसे दिल नहीं भरता। लेकिन एक शर्त पे सुनाऊंगा। अकेले तो मैंने बहुत बार गाया है, कई बार गाया है, तो क्यों ना आप मेरा साथ दें इस गाने में। I'm
खुशी इस बात की है कि नाजिया ने इस गाने को बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया। अच्छा, ये कहा जाता है, आप भी शायद मुझे बता रहे थे कि जब आप ये चाहते हैं कि आप फिल्में डायरेक्ट करें, हाँ, और ये चाहते हैं कि फिल्में प्रोड्यूस करें जी, प्लीज किस तरह की फिल्में डायरेक्ट करेंगे? वही पुरानी किस्म की? नाजिया, जाहिर है कि लोगों ने मुझे पर्दे पर काफ़ी से ज़्यादा बर्दाश्त किया है, तो जो कुछ इन फिल्मों से सीखा है, जो कुछ तजुर्बा मैंने मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ मुख्तलिफ फिल्मों में काम करके लिया है, तो जाहिर है कि मेरी यही ख्वाहिश है कि बाद में मैं फिल्में डायरेक्ट करूं, प्रोड्यूस करूं, और कोशिश ज़रूर यही करूंगा कि अच्छी फिल्में बनाऊंगा तो कमर्शियली, लेकिन अच्छी फिल्में कोशिश करूंगा। नदीम साहब, आप टेलीविज़न के लिए कोई प्ले क्यों नहीं करते? नाजिया, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, न सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि मेरी कोशिश भी है, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द टेलीविज़न के लिए एक प्ले की सूरत में या फिर किसी मिनी सीरीज़ की सूरत में मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। नए टैलेंट को हम सब चाहते हैं कि इनकरेज करें, इसीलिए इस प्रोग्राम में हमारी यही कोशिश रही है कि हम आपको कुछ नामवर फनकारों से मिलवाएं और कुछ ऐसे फनकारों से मिलवाएं जो नए हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया है, लेकिन हम समझते हैं कि उनमें बहुत टैलेंट है। इसरार रजा, Thank you.